पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने आज अपने कार्यालय में फरीदाबाद पुलिस के बम निरोधक दस्ते और सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ मीटिंग आयोजित की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने बम निरोधक दस्ते में तैनात जवानों से भी सभी एक्सप्लोजिव एक्सपेरिमेंट जानकारी ली। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में तैनात बम निरोधक दस्ता के पास वो सभी आधुनिक उपकरण हैं जो कि सभी प्रकार के एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट कर डिफ्यूज करने में सक्षम है। फरीदाबाद जिले में क्राइम होने पर सीन ऑफ क्राइम टीम का मौके का मुआयना करती है, अपराध घटित होने वाली जगह से साक्ष्य इकट्ठा करती है जिसे जांच के लिए एफएसएल में भेजा जाता है। इकट्ठा किए गए साक्ष्यों के द्वारा आरोपी तक पहुंचने में अनुसंधान अधिकारी को काफी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सीन ऑफ क्राइम टीम 24 घंटे मौजूद रहती है और कहा कि बम निरोधक दस्ते और सीन ऑफ क्राइम टीम में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जवान शामिल हैं। आगे कहा कि कई बार पुलिस को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल आदि में लावारिस सूटकेस मिलने की सूचना मिलती है। ऐसी स्थिति में बम निरोधक दस्ता काफी सहयोगी सिद्ध होगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस को हमेशा किसी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुलिस सहायता के लिए या कोई लावारिस संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को डायल 112 पर सूचना दे। एक जो बारकोड निकालते हैं तो वो वहाँ जब आप एग्जिबिट डिपॉजिट कर देते हैं तो बारकोड चेंज हो जाता है, वो अपना बारकोड लगा, तो आप वहाँ भी कोरिलेट नहीं कर सकते। आप आईओ ट्रैक कर सकते हैं उनके एग्जिबिट जो उन्होंने डिपॉजिट कराई वो रिपोर्ट हो गई, एग्जामिन हो गई या नहीं हो गई, वो अपनी आईडी से उसको ट्रैक कर सकते हैं। पहले वो या तो टेलीफोनिकली था या आप पर्सनलीकेशन नहीं। एक बार बताओ, जैसे हमारे जिले का आप देख पा रहे हो पूरा कि भाई ये जो हमारा कोई सर हम रिपोर्ट नहीं देख सकते क्योंकि हम हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम एग्जिबिट को सिर्फ एग्जामिन करते हैं, उनको चेक करते हैं, उसमें कोई कमी हो तो हम उसकी पूर्ति कर पाते हैं। एग्जिबिट फिजिकली आता है आपका? हाँ जी बिल्कुल फिजिकली आता है। हाँ जी हाँ जी। और चाहे वो डॉक्टर ने कलेक्ट किया। फरीदाबाद से अतीक मलिक की रिपोर्ट।